करीबन 11 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम्स थे, कैश में 3.5 करोड़ की डिलीवरी क्वांटिटी मार्क हुई थी। और हमें लगता है कि ये जो टेक्निकल सेटअप है स्टॉक को तकरीबन 23 से 24 रुपए ऊपर में ले जा सकता है। तो तकरीबन 20% अपसाइड के लिए, 20 से 25% अपसाइड के लिए एचसीसी को बाय करके चलिए। स्टॉप लॉस इसमें लगाना होगा आपको 17 रुपीज का। और मुझे लगता है कि ये जो ब्रेकआउट है खास करके जो वॉल्यूम्स के साथ हमें देखने को मिला है, यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। तो एचसीसी हमारी बाय है, 24 रुपए का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस लगाना 17 का। ओके, एचसीसी में बाय करिए। इन द पास्ट थोड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा बाएंगे इसमें। अच्छा, एक तो शुगर स्टॉक्स में आज बाएंगे, बजाज हिंदुस्तान 17% ऊपर इस समय, एक आपको मूव दिखा रहा है, ज़बरदस्त मूव इस समय उस स्टॉक में आता हुआ, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। गो फैशंस 4% नीचे इस समय, गो फैशंस का स्टॉक, और काफ़ी आउट परफॉर्म किया था स्टॉक ने, लेकिन अभी मेरे ख्याल से शायद इसका भी लॉक इन का कुछ इशू होगा वहाँ पर। एक थोड़ा सा आपको एक इस समय डिक्लाइन दिख रहा है गो फैशन के स्टॉक में, तो ये दो स्टॉक्स हैं जो थोड़े से इंटरेस्टिंग लगे यहाँ पर। यहाँ पर आप एक मूव देख रहे हैं। अच्छा राहुल जी, मुझे आपसे एक एक व्यू जानना था टाटा स्टील पर। अब टाटा स्टील ने प्रीवियस हाइस के 18% दूर रह गया है, जो लोअर लेवल्स हैं वहाँ से अच्छी खासी आपने रिकवरी देखी है। अब यहाँ पर चार्टिकली क्या ट्रेंड बन रहे हैं? अनु जी, थोड़ा बड़ा बात करें तो मेरे हिसाब से टाटा स्टील में यहाँ पर पूरी तैयारी है। जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 153 के आसपास का, उसको निकालने की। तो मैं तो यहाँ पर, अगर आप डिलीवरी इन्वेस्टर है, अगर आप इसे बाय एंड होल्ड करना चाहते हैं, तो एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिला है। देखिए, स्टॉक ने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे अगस्त 2022 से लेके अब तक पूरा का पूरा टाइम स्पेंड किया, और फाइनली एक बेस बनाने के बाद, ये जो बेस बना है तकरीबन 95 से लेके 105 110 के रेंज में बना है, और ये ब्रेकआउट हमें लास्ट 3 सेशन में देखने को मिला है। मेरे हिसाब से बड़े लंबे लेग्स है इस ब्रेकआउट के। अगर आप बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर है तो मेटल्स में, खास करके टाटा स्टील में, आप अगर 6 महीने। राहुल शर्मा, कोई नजर इन छोटे बैंकों में जहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है ट्रेड की? जी देखिए, एक स्टॉक है जो हमने हमारे टॉप 5 स्मॉल कैप बास्केट में भी इंक्लूड किया है, वो है सिटी यूनियन बैंक। देखिए, सिटी यूनियन बैंक में लगातार तकरीबन 185-190 की रेंज में अच्छी एक्युमुलेशन देखने को मिली है। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम्स और डिलीवरी क्वांटिटी दोनों में स्पाइक है, और मुझे लगता है कि अब यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है सिटी यूनियन बैंक में। तो सिटी यूनियन बैंक में आप बाई करके चल सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ से आप इस सेटअप में, आपको अगर आपका 3 महीने का टाइम फ्रेम है, तो 25 से 30% अपसाइड आपको सिटी यूनियन बैंक में देखने को मिल सकते हैं, यानी कि तकरीबन 250 रुपए तक के लक्ष्य आपको यहाँ पर स्टॉक्स में आते हुए दिखेंगे। इसे बाय करके चलिए। आप इसमें स्टॉप लॉस लगाइए 180 का क्लोजिंग बेसिस पर। और मुझे लगता है कि जो रैली हमने पीएसयू बैंक्स में देखी है, अब कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंक्स में, खासकर जो छोटे मंडले प्राइवेट बैंक्स है, इनमें भी देखने को मिलेगी। एक्चुअली मार्केट में इस समय एक हल्का सा एक नॉक, और ये एक क्लियरली अब इस समय फ्राइडे का जो लास्ट आवर लो था उसके थोड़ा नीचे निफ्टी ट्रेड करता हुआ 18,636, अब जो 18,550 से 18,650 का जो जोन था, अब उसमें देखना है कि ये उसको डिफेंड करता है, सपोर्ट रहता है या नहीं, तो उसमें शायद एक रिवर्सल आएगा मार्केट में। लेकिन मिड कैप में भी हल्का सा, एक आपने दिखाया कि ऊपर के लेवल से थोड़ा ढीले हुए हैं मिड कैप भी। अब मिड कैप इंडेक्स फ्लैट, और वो जो पूरी बढ़त थी मिड कैप इंडेक्स ने वो गंवा दी मिड कैप इंडेक्स ने। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।